हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके एमबीए एंट्रेंस पेपर को जो 2023 में हुआ है। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस लिए थे, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम। आज हम एक कुछ और टॉपिक के क्वेश्चंस ले रहे हैं जैसे लीनियर इक्वेशन का है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले हम आपको उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करके बताएं और फिर उस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लें कि जिससे कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वांट्स है, मैथ्स नहीं है। मतलब मैथ्स को मैं कहता हूँ कि डेली लाइफ की कैलकुलेशंस हैं जो ये आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, मतलब जो क्वेश्चन दिया है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ लें। अगर आप उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो खैर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियोज़ बनाएं जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिन्होंने मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है या कभी नहीं पढ़ा है। तो खैर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि टू डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं 10, 11, 99, ये हमारे पास टू डिजिट नंबर होते हैं। आपसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। जैसे अगर मैं सपोज करो ये नंबर ले लूं तो ये टू डिजिट नंबर है 99। अगर इनकी डिजिट्स का मैं सम निकालूं तो 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। तो आपके पास टू डिजिट नंबर्स का जो सम दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। If the new number formed by reversing the digits is greater than original number by 54, actually क्या होता है, जैसा अगर आपने एक नंबर लिया 32, तो ये एक नंबर है, आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं। 2 को यहाँ लाए, 3 को यहाँ लाए, तो ये रिवर्स नंबर हो जाएगा 23। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स नंबर। तो आपसे क्या कह रहे हैं, द नंबर, न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि जो हमने नंबर लिया है अगर उसको रिवर्स करेंगे तो वो बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा। जैसे यहाँ हमने लिया था ओरिजिनल नंबर 32, तो जब रिवर्स कर रहे हैं तो छोटा बन रहा है, तो इस ये वाला नंबर होगा ही नहीं। देन द ओरिजिनल नंबर 554, तो इसका मतलब जो हमारे पास रिवर्स नंबर होगा वो बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से बाय 54। तो दो कंडीशन दी हुई है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 12 है और दूसरा जो नंबर आप बना रहे हो वो ओरिजिनल नंबर से 54। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करना चाहूँ तो आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ये है 93। मैं ऑप्शन से ही आपकी बात कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास जो एक ऑप्शन दिया है 93, दूसरा ऑप्शन दिया है 28, तीसरा ऑप्शन दिया है 48। एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से आपको पता चल जाए सॉल्व कैसे करना है, दूसरा मैं इसका प्रोसेसर बताऊंगा कि स्पेसिफिकली होता कैसे है। टेंथ में आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा होगा। अब जैसे ये 93 है तो इसका सम 12 हो रहा है, 9 प्लस 3 12 है, लेकिन जब आप इसको रिवर्स करोगे तो नंबर बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। तो सर ये नहीं है। दूसरा ये 28 है, इसका सम 12 ही नहीं है, तो ये इसलिए ऑप्शन में नहीं हो सकता। उसने कहा था सम ऑफ द डिजिट इज 12। 48 ये हमारे पास है, इसका सम 12 आ रहा है और इसका जो बड़ा नंबर बनेगा 84, उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 54 का होना चाहिए। तो 84 में से अगर आप 48 माइनस करेंगे, जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 54 ज़्यादा होना चाहिए। तो आप जरा चेक करिए, 4812, ठीक है, यहाँ रह गया 74, 32 का डिफरेंस आ रहा है, आना कितना चाहिए था 54। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं, एक तो 39 का जो सम होता है वो सर 12 होता है, दूसरा 39 का जो रिवर्स नंबर होता है वो 93 होता है, अगर माइनस करेंगे तो 54 आता है, तो ये हमारा ऑप्शन है। अच्छा, अगर टू डिजिट नंबर की हम बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो टेंथ में आप जाएंगे, वैसे हमें इतने डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वैसे आपको बता दूं, टेंथ में हम जाएंगे, हम कुछ इस तरह से लेते थे कि लेट टेंथ डिजिट एक्स और वंस डिजिट वन डिजिट वाई। तो जैसा अगर आपके पास 10 डिजिट 2 है और 1 डिजिट 5 है, तो 10 डिजिट को 10 से और 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर आप नंबर लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तो आपका नंबर आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास है। तो नंबर जो हमारा होता है, पहली बात तो उसने कहा था डिजिट का सम 12 है, तो एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। दूसरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई, ये तो है आपका ओरिजिनल नंबर। अब अगर डिजिट को चेंज कर रहे हो तो ये चली जाएगी 10th डिजिट पे और ये चले जाएगा 1 डिजिट पे, तो रिवर्स नंबर होता है 10y प्लस x।
दोनों को माइनस करेंगे तो आना चाहिए था आपका 54। तो दो इक्वेशन बनते हैं, उन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंप्लीट होता है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू द फुट ऑफ द टावर। अगेन आप इसको एज ए मैथ मत लीजिए, थोड़ा सा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आप लैंग्वेज को पढ़िए। हमसे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन लेवल ग्राउंड, ये आपके पास लेवल ग्राउंड है और इसको आप एक पॉइंट सी मान लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसमें से अगर हमारे पास ये टावर है और यहाँ से आप टॉप को देख रहे हैं और ये जो हो एंगल बनता था, इसको शायद आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते थे, इसको 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, और डिप्रेशन भी बनता है अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे होते। तो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 100 मीटर हाइट, जो टावर की जो हाइट है, दिस हाइट इज 100 मीटर, तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू द फुट ऑफ द टावर। हमसे ये कह रहा है कि सी से फुट ऑफ द टावर का डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो ये हमसे कह रहा है। तो अब आप चेक कर लीजिए, अगर मुझे ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए अगर कुछ याद हो आपको तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, थोड़ा सा मैथ यूज हो रहा है, इसको बेस कहते हैं, लेकिन 10th लेवल का ही हो रहा है। इन दोनों में रिलेशन बनाए अगर हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा। परपेंडिकुलर 100 दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, थीटा आपके पास 30 है, 30 होता है 1/√3, रूट थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को यहाँ करेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू 100√3 आ जाएगा। रूट थ्री को थोड़ा सा ध्यान रखना है, नियरली 1.73 होता है, तो 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 173। शायद यही आपके पास ऑप्शन में होगा, 170 मीटर नो, 172 मीटर नो, 173 मीटर यस, 167 मीटर नो, तो ऑप्शन इज 173 मीटर्स। तो ये हमारे पास है, तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से लेवल के हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और करते जाना है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है टू शिप्स, अगेन हाइट एंड डिस्टेंस पे ही बेस्ड है। दो क्वेश्चन इस पेपर में आए थे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से, फिर ये आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ लीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टू शिप्स सेलिंग इन द सी ऑफ टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। तो हमारे पास अगर ये लाइट हाउस है तो एक शिप इधर है तो एक शिप इधर है, ठीक है, टू साइड्स ये हमने ले लिया। आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। लाइट हाउस के टॉप को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाइट, ये हमारे पास जो है 100 मीटर है। आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज, तो ये आपके पास शिप के बीच का डिस्टेंस ये निकल। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छी बात तो ये है कि जो भी आपने पढ़ा था उस क्वेश्चन को इसमें यूज कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला जो भी हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास था, ये 100 है, ये 30 है, ये x है। तो अगर ये 100 है, ये 30 है और ये x है, क्योंकि आप इस ट्राइंगल को यूज करेंगे तो पहले x निकालेंगे, फिर इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस y करेंगे, तो ये आपका आराम से 173 आ जाएगा। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी जो हम कर रहे थे 100 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1030 एंड 1030 इज 1/√3 मल्टीप्लाई किया था, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया था 100√3, रूट थ्री होता है 1.73, तो आपका 173 हो गया था। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देख लीजिए, इतना तो बेसिक ज्योमेट्री आप सब बच्चों को आता होगा, अगर राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 है और एक 45 है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं,
और आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको पता होगा अगर ये 100 है तो ये वाला भी 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक 173 आया है और एक 100 आया है, तो दूसरा जो हमारा टोटल हो गया वो 273 आया है। चेक कर लेते हैं, यहाँ 276 है, नो 273 यस, 270 नो, 263 नो। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन यूज़ हो रहा था, एक ही पेपर का था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कभी कभी इस तरह से अगर टीचर आपकी हेल्प कर रहा है तो वो उसका फ़ायदा उठाना। तो अब हमारे पास तीन टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहला हमने नंबर सिस्टम लिया था जिसमें हमने बेसिक नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट, डिजिबिलिटी रूल, आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसको कंबाइन भी करेंगे ठीक है, और फिर SCF LCM, फिर लीनियर इक्वेशन, और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे जो हमारे पास क्वेश्चन हैं ये है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस स्टूडेंट्स, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है, जामिया एमबीए पेपर के। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ए बोट हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन ए लेक। द बोट सिंक्स बाई 1 सेंटीमीटर व्हेन ए मैन गेट्स इनटू इट, द मास ऑफ द मैन इज। ये हमारे पास है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ है कि जितना वो फ्लॉट सिंक करेगा उतना ही हम मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया कि ये आपके पास एक बोट दिया हुआ था, उन्होंने लेंथ दिया था 3 मीटर और ब्रेथ दिया था 2 मीटर ठीक है, और वो जो सिंक हुआ है वो 1 सेंटीमीटर हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो जो आपने पानी में जो डूबा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हम ये ले सकते हैं कि 1/100 मीटर। तो इतना वॉल्यूम उसका हुआ जो आपने सिंक किया, तो ये हो गया 6/100 ठीक है, मीटर क्यूब। क्लियर। अब 1 मीटर क्यूब को जब हम लीटर में चेंज करते हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा था द मोट बोट सिंक्स 1 सेंटीमीटर व्हेन ए मैन गेट्स इनटू इट, द मास ऑफ द मैन इज। तो एक्चुअली क्या है, केवेंडिश प्रिंसिपल क्या है कि जितना मास होता है उतना ही उसका वो डूबता है, जितना डूबेगा। तो डूबा है इतना, ये हमारे पास बोट थी उसकी लेंथ इतनी और इतनी ब्रेथ इतना, 1 सेंटीमीटर पानी में चला गया। किसकी वजह से गया, मैन की वजह से गया। तो जितना डूबा है उतना ही उसका मास है। 1 मीटर क्यूब को हम 1000 लीटर हम लेते हैं या 1000 kg भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इतने मीटर क्यूब को अगर हम 1000 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने kg। तो 100 से 100 कर दीजिए तो 60 kg जो होगा वो उस पर्सन का वेट होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको लीटर को, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो तो 1 meter cube = 1000 liters और नियरली हम 1000 kg में लेते हैं। वैसे नियरली है, इज़ नॉट एक्यूरेट, इट इज़ अप्रोक्सीमेट।